गुड मॉर्निंग लवलियस जेंट्स, क्लास 7 आपका फर्स्ट चैप्टर इंटीजर था। मुझे विश्वास है कि जो वीडियो हम दिए हैं आप लोगों को, उस माध्यम से आप इंटीजर चैप्टर बना लिए होंगे। अब सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप बहुत जो चैप्टर है फ्रैक्शन का, क्लास 7 का आप स्टूडेंट हैं, आप एक्सरसाइज बना लीजिएगा, सारा एक्सरसाइज बन जाएगी। उसमें हम एक्सरसाइज देखे हैं, सारा एक्सरसाइज बन जाएगी, इसीलिए आप फ्रैक्शन चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन पर मैं कुछ चर्चा करता हूँ। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे डिसिमल फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर में आप जानते हैं, जिसका डिनोमिनेटर में एज लाइक 10, 100, 1000 डॉट डॉट रहे, उसको डिसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। सेकेंड, आपका जो ऐसे जो डिसिमल फ्रैक्शन है, उसके बाद आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, आप पहले से भी जानते हैं, यानी कह सकते हैं इसका डिनोमिनेटर जो ऐसे ग्रेटर हो न्यूमरेटर से, यानी 3/5, 7/9, 15/35 या 49। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर जो ऐसे पार्ट ऑफ होल हो, यानी 1 से कम हो। थर्ड, आप इम्प्रॉपर के बारे में जानते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, यानी 5/3, 7/2, 9/2 डॉट डॉट, यानी जो है से आपका एन जो है से ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, डी से। इस फॉर्म में आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे 3/4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 × 2/4 × 2, 3 × 3/4 × 3, 3 × 4/4 × 4, सो ऑन। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी 3/4 का, यानी 6/8, 9/12, 12/16 etc. हाई फ्रैक्शन आपको आप पढ़ेंगे भी, लाइट फ्रैक्शन, लाइट फ्रैक्शन में क्या है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 3/2, 5/2, 7/2 और 9/2। आप क्या देख रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। आप पिछले क्लास में सब जानते हैं, पढ़ाए हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो 3/4, 5/7, 9/5 etc. तो ये सारे फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, तो आपको जो ऐसे इसी बेस पर आपको जो ऐसे एक्सरसाइज है, और बिल्कुल आप जो ऐसे उसको आप बिना बताए भी, हम नहीं भी बताते, आप इस क्लास को लेते तो आप ये एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते, इजीली बना सकते हैं।
किसी का क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम ही रहेगा। आपको हमको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, रहता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। पहले आप क्या फाइंड फाइव इक्विवेलेंट ऑफ 3/4 जैसा अभी मैं बताया हूं। सेकेंड में आपका प्रॉब्लम रहेगा इफ्रेक्शन है, ठीक है 3/4। अब कहेगा हैविंग डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हैविंग डिनोमिनेटर 12, तो ठीक है तो इक्विवेलेंट के माध्यम से कीजिए, डिनोमिनेटर को 12 कीजिए, यानी 3 × 3 4 × 3 9/12 डिनोमिनेटर हो गया 12 हो गया। अब तीसरा जो पार्ट है आपका, इसी टाइप आपका एक्सरसाइज है, आप पहले बनाए, अब इसका फ्रैक्शन का ऐड आपने जानते हैं, ऐड जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं, वो बनाइए घर पर बैठ के, क्या कीजिएगा वीडियो की जान कीजिएगा, इसको बनाइएगा सब्ट्रैक्ट आप भी जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को आप जो ऐसे बनाइए, बहुत इजी रूप से बनेगा, इसमें मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको बना के रखिए। इसमें चैप्टर 2 में ABC है ना, इसमें सी में बर्ड प्रॉब्लम है, तो बर्ड प्रॉब्लम है तो आप किसी में ऐड करना है, किसी में सेपरेट करना है, आप इसको 2 बार बर्ड प्रॉब्लम को पढ़िएगा है ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या ऐड होगा क्या सेपरेट होगा। आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, ठीक ना, तो आपको 2C में आपको बर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, बी में आपको ए मिलेगा, एक्सरसाइज ए में जो हम चर्चा किए वो मिलेगा। इसलिए आप चैप्टर 2 जो ऐसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम क्लास में मिलेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज के इतने ही वीडियो, वीडियो छोटा बनता है इसलिए छोटा में ही सब कुछ रखना पड़ता है, तो इसलिए थैंक यू। घर पर रहिए, खाइए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए।